हम जिस दुनिया में अभी जी रहे हैं वो दुनिया है एक जागती दुनिया। इसके अलावा एक और दुनिया है, जब हम सो जाते हैं, जब हम नींद में होते हैं, उस वक्त जो हम ख्वाब देखते हैं, जो सपने देखते हैं, वो भी एक दुनिया है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में जो है ये सैंड मैन की स्टोरी लिखी गई है। इसमें बताया जाता है कि जिस तरह से हमारी जागती दुनिया के अंदर में हमारी लाइफ चल रही होती है, सभी चीजों में बदलाव आ रहा होता है हमारे एक्शन के द्वारा, बिल्कुल वैसे ही सपने वाली दुनिया में भी हमारा देखा जाए तो एक तरह का पैरेलल यूनिवर्स है और उसमें भी बहुत सारी चीजें उथल पुथल होती है। अब वहां पे है एक बंदा जो कि उन पूरे सपनों की दुनिया को, पूरी ख्वाब की दुनिया को चलाता है। अब ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद में लग रहा होगा ना कि यार ये किस तरह का कहानी हो गया, आप कहानी जो बता रहे हैं वो सपने के बारे में है, ख्वाब के बारे में है, लेकिन इसमें सैंड का क्या लेना देना है, इसको सैंड मैन क्यों कहा जा रहा है। कहानी आगे में कुछ ऐसे दिखाई जाती है कि जो पैरेलल यूनिवर्स है, मतलब जो जागती दुनिया के ऑपोजिट यानी ख्वाब वाली जो दुनिया है, उस दुनिया के अंदर में चार चीजें हैं, मतलब चार देवता है, जैसे एक जिसका नाम ड्रीम है, दूसरा डेथ है, तीसरा डेस्टिनी है और चौथा आई थिंक डिजायर है। तो इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। अब दिखाया जाता है कि हमारा जो रियल वर्ल्ड है, 1916 के टाइम पे जो है कोई एक जादूगर रहता है जो अपनी विधि से कुछ ऐसा करता है, अगर कोई ख्वाब देख रहा हो तो उसके ख्वाब में से होते हुए अगर कोई गुजर रहा है तो उसको वो कैद कर सकता है। अब हर किसी के ख्वाब में जो है देवता रहते ही है, तो वो जो ख्वाब के देवता होते हैं यानी ड्रीम, वो कैद हो जाते हैं, जबकि जादूगर ढूंढ रहा होता है डेथ को, कि उसका मानना है कि अगर उसने डेथ को अगर हासिल कर लिया तो वो अपने मरे हुए बेटे को जो है वापस से इस दुनिया में जीवित कर सकता है और उसको जो है फिर से एक तरह से जी सकता है। तो यही पूरी स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलेगी इस वेब सीरीज के अंदर में। कुल मिलाकर के आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे नेटफ्लिक्स पे और इसका लेंथ जो है यार काफी लंबा लंबा है, कुछ 37 मिनट का मिलेगा, कुछ 50 मिनट का मिलेगा, कुछ 40 मिनट का मिलेगा, यानी लगभग आप एक एवरेज बना करके चलो कि आराम आराम से भी देखे तो 10 से 11 घंटा लग जाएगा। तो ये है लेंथ। थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि ये रेत का लेना देना क्या है, इस वेब सीरीज का नाम सैंड मैन क्यों रखा गया है। सैंड मैन इसलिए रखा गया है क्योंकि जो ख्वाब का देवता है वो जब भी किसी को मतलब एक कुछ देना होता है, भले से वो श्राप हो या उसको कुछ वरदान देना होता है, तो वो रेत उसकी आंखों में फेंक देता है और वो शायद ख्वाब में फेंकते हैं, तो भाई उस वजह से जो है वो रेत उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसने उनको कैद किया था, उनका हेलमेट, उनका रेत, उनका रूबी, वो चोरी कर लिया है। अब जिसने चोरी किया था उसकी गर्लफ्रेंड, फिर वो भी चोरी करके भाग गई। अब वो जो चोरी करके भागी है, अब दूसरे लोग उन सारी चीजों के पीछे में पड़े हुए हैं। अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है हेलमेट और रूबी के अलावा, तो वो फर्स्ट थिंग है रेत, क्योंकि इनकी दुनिया जो है लुट चुकी है, क्योंकि इंसानों ने जो है मतलब जिस इंसान ने इनको कैद कर लिया था वो सदियों तक कैद रहे, यानी 100-200 साल तक कैद रहे। अब वो वापस से जो है अपनी उस दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां पे वो ख्वाब के ऊपर में अपना हुकूमत चलाते थे, हर किसी की ख्वाब अच्छे और बुरे को जो है वो कंट्रोल करते थे और उसके हिसाब से उसकी दुनिया में बदलाव लेकर आते थे। तो उस चीज को जो है फिर से बसाने की कोशिश की जा रही है, पर अब इनके पास से जो है वो सारे के सारे लोग, इनकी जो किंगडम थी, जो इनकी प्रजा थी, वो सब के सब जा चुके हैं। उनको लगा कि हमारा देवता जो है हमें भूल गया है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग चुका है, अब वो कभी नहीं आने वाला है क्योंकि सदियां बीत चुकी है, और सदियों बाद भी वो वापस आए और अपनी प्रजा के लिए आए। तो भाई मुझे देखने में तो मजा आया, स्टोरी एकदम कुछ यूनिक सा लगा, हमेशा से जो होता है ना यूजुअल, वो वैसा नहीं था कि भाई एकदम सेम जैसा स्टोरी चला जा रहा है, कुछ नया, मतलब समझ लो ये भी एक तरह का अपना यूनिवर्स बना लेंगे। और इनके अंदर में जैसे मुझे जैसे ही पहला जो एपिसोड है उसको देखने के बाद ही दिमाग में आया कि ये वेब सीरीज को जो है एक यूनिवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी बात हो रही है सैंड मैन जो कि ख्वाब का देवता है जिसका नाम ड्रीम है, इसके अलावा तीन और देवता है यानी डेथ, डेस्टिनी और डिजायर, इन तीनों का भी अगर कहानी बना दे तो मुझे तो मजा आएगा, मुझे अच्छा लगा सच बताऊं तो। एक अच्छा सा टाइम पास सीरीज है, आपको ऐसा बहुत वूवी फील नहीं होगा कि हाँ बहुत ही दमदार एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड लगा, लेकिन एक नॉवल जैसे पढ़ते ना इंटरेस्ट लेकर के, कि पढ़ते जा रहे खत्म तक पहुंचे और अच्छा लग गया, बिल्कुल वैसे ही आपको फील देगा ये। और इसकी सिनेमाटोग्राफी और इन सब के बारे में तो बात करने का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ एकदम मौसम है, डायरेक्शन वगैरह, क्योंकि ग्रिप जो है ना आपको फर्स्ट फ्रेम से ही बना लेगा, और खास करके जो वॉइस ओवर रहता है वो वॉइस ओवर आपके ऊपर में एकदम मैजिक सा चला देगा, तो हिंदी डब एकदम जबरदस्त लगेगी आपको। अगर आपके पास में इतना लंबा समय है तो आप जाकर के देख सकते हैं सैंड मैन, और इट्स एन awesome सीरीज। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, व्हाट्स योर टेक, आपने देखा तो आप बताओ कि आपको कैसा लगा, और आप क्या किसी और को रेकमेंड करना चाहोगे इस वेब सीरीज को। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।